देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। खबर इंदौर से है। देश में कोरोना के बचाव के लिए लगने वाली वैक्सीन 100 करोड़ लोगों ने लगवा ली है। यह आंकड़ा पार होने पर शहर के विभिन्न स्थानों पर जश्न मनाया गया। कहीं चौराहे पर फ्री वैक्सीन लगी तो वहीं दूसरी ओर कैफे सेंटर जैसी जगह पर इसे बढ़ावा देने के लिए फ्री कैंप भी लगाए गए। इंदौर के विजयनगर स्थित टीला कैफे के प्रमुख हिमांशु सोनी ने बताया है कि कोरोना संकट काल में इंदौर शहर के लोगों ने काफ़ी परेशानियों का सामना किया, जहां बड़ी संख्या में लोगों की जान भी गई। वहीं प्रशासन के आह्वान पर पूरे देश में इंदौर शहर में भी वैक्सीनेशन का आंकड़ा सबसे अधिक रहा। वहीं पूरे देश में गुरुवार को 100 करोड़ लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया है। कोरोना पर जीत हासिल करने के लिए अपनी राह मजबूत कर ली है। तो वहीं इंदौर शहर के कई स्थानों पर 100 करोड़ वैक्सीनेशन का अलग अलग तरीके से जश्न मनाया गया। इसी क्रम में इंदौर के विजय नगर स्थित सत्य साई चौराहे के समीप टीला कैफे में आने वाले ग्राहकों को कैफे की ओर से वैक्सीनेशन करवाने व चाय की सैंडविच फ्री लाकर ऑफर किया गया। वहीं गीत संगीत की महफिले में कोरोना लगाकर जागरूकता फैलाने के लिए कैंप भी लगाया गया। जी, हमने ये इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया, आज ये कुछ रिकॉर्ड बना दिया हमने। इतने कम समय में भारत देश में 100 करोड़ से अधिक वैक्सीनेशन हो गए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और एज अ कैफे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाएं, और उसके साथ हम लोगों को ऑफर कर रहे हैं फ्री में टी, फ्री में सैंडविच। तो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोग आएँ वैक्सीनेशन लगवाएं यहाँ पर। जी, म्यूज़िक जो है ना, म्यूज़िक इज़ फूड फॉर सोल, आत्मा का आहार होता है। तो लोगों को इंजेक्शन लग गया, वैक्सीन लग गई, उसके बाद लोगों को वेट करना पड़ता है 15 मिनट 20 मिनट बैठ के। तो हमारे पास आर्टिस्ट हैं बहुत सारे जो जुड़े हुए हैं हमसे, तो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो लोग अच्छा म्यूज़िक इन्जॉय कर सकते हैं, यहाँ पर सुकून से बैठ सकते हैं, अच्छी चाय इन्जॉय करें यहाँ पर बैठ करके। इसलिए म्यूज़िक अरेंजमेंट भी करा हम लोगों ने। अभी तक सुबह से लगभग 25 लोग वैक्सीन लगवा के जा चुके हैं। इसमें फर्स्ट डोज है कुछ लोगों के और सेकंड डोज मैक्सिमम लोगों के हैं। अगर बात करें शहर के मशहूर मिमिक्री आर्टिस्ट टीकम सिंह राय ने अपनी मिमिक्री का जलवा दिखाते हुए अभिनेता अमरीश पुरी व संजय दत्त व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ में शहरवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। बिल्कुल, जो है आई कैन मिमिक मोर देन 50 वॉइस, 50 से भी ज़्यादा मिमिक्री मैं करता हूँ। और सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं लोग अमरीश पुरी, संजय दत्त, नाना पाटेकर और परम आदरणीय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। तो ये चार वॉइसेस मैं मिमिक करूँगा। तो अमरीश पुरी जी ने जब वैक्सीनेशन करवाया तो यहाँ कैफ़े से उन्हें जो है चाय मिली और सैंडविच मिला, तो हाउ इज फीलिंग? अरे कुलदीप सिंह मुगम्बो, खुश हुआ? अमरीश पुरी खुश हुए, लेकिन संजू बाबा को वैक्सीन में क्या लाइन में लगना पड़ गया, तो ही वॉज सो एंग्री। सो अमरीश, संजू बाबा इज कमिंग लाइक। अरे बोले तो हमारे टी लाख कैफे ना, उधर इतना लाइन लग रहा है ना, मालूम क्या उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है मालूम। हाँ, अभी मेरे को ऐसा वो मैडम ने ऐसा इंजेक्शन लगाया ना, सुई ऐसा मुड़ गया मालूम क्या। अरे भाई, वो रात को थोड़ा बाइसेप ज़्यादा मार लिया था, अभी डरने का नहीं। हाँ, ये इंजेक्शन, ये वैक्सीन लगवाने का एक दिन सबको मरना है मालूम क्या। लेकिन अपने बात दिमाग में एक बात समझ में नहीं आ रही भाई लोग, ये जो लास्ट में मरेगा उसको शमशान घाट कौन ले जाएगा यार? अच्छा, मोदी जी लास्ट मोदी जी युवाओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आपको वैक्सीन लगवाना चाहिए और ये ज़रूरी भी है। इससे जो है अभी देख भी सकते, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो मोदी जी कह रहे हैं, भाई अब्बा ना भारतीय जनता पार्टी और मेरे 700 करोड़ देशवासियों, मैं यहाँ पर कैफे वालों को कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूँ। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। न्यूज टीवी इंडिया पर।